सिलीगुड़ी में दबंगई खुलेआम चल रही है। भक्तिनगर थाना अंतर्गत इलाके में एक बार फिर से दादागिरी की घटना सामने आई है, जहां लूडो खेलने की मामूली सी बात इतनी बढ़ गई कि सिर पर बियर की बोतल फोड़ने तक पहुंच गई, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, भाई को मार खाते देख बचाने के लिए गई बहन के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार बदमाशों को भक्तिनगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम सचिन राय, सिद्धार्थ विश्वकर्मा, राज छेत्री और आनंद शर्मा है। गिरफ्तार तीनों में राज छेत्री मुख्य आरोपी है। जानकारी मिली है कि बीते कल देर रात को बारिश के समय दो भाई शुभम मंडल और उसका भाई सालूगढ़ा आर्मी कैंप के पास एक दुकान के शेड के नीचे लूडो खेल रहे थे। उस समय अचानक से राज छेत्री एक वाहन से वहां पर पहुंचा। इसके बाद लूडो खेल रहे दो भाइयों के साथ राज छेत्री की किसी बात को लेकर बहस हो गई। आरोप है कि उस बहस के दौरान राज छेत्री अपने दल बल को बुलाकर शुभम मंडल और उसके भाई के साथ मारपीट की और शुभम मंडल के सिर पर राज छेत्री ने बियर की बोतल फोड़ दी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर जब शुभम की बहन भाई को बचाने के लिए पहुंची, आरोप है कि राज छेत्री और उसके दल बल युवती के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की। इसके बाद मामला बिगड़ने के बाद भक्तिनगर थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आने की खबर मिलते ही कई लोग मौके से फरार हो गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने चार लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आज चारों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।